यूपी में मायावती और अखिलेश की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऐलान के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का साथ आना तय है। इस डील में अजीत सिंह की आरएलडी भी शामिल है, लेकिन कल के दोस्त कांग्रेस को अखिलेश ने बाय बाय कर दिया। नहीं, हमारी अभी जेट की अखिलेश जी से मीटिंग हुई थी और महागठबंधन में हम शामिल हैं। मुझे जानकारी नहीं है कहाँ कब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं तो कल से यही हूँ। दो सीट बताया जा रहा है कि आरएलडी को दी जा रही है, अभी सीटों की बातचीत नहीं हुई। आप कितने परिपक्षा कर रहे हैं कि लड़ेंगे? अभी जब सीटों की बातचीत हम जो गठबंधन के साथ ही उनसे करेंगे। अगर दो सीट मिलती है तो क्या आरएलडी सीट रहेगी? जब सीटों की गठबंधन की बात होगी तब ये बात। बीएसपी 37 सीटों पर लड़ रही है जबकि अमेठी और रायबरेली पर कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा करना चाह रही। भाई ये मैंने अखबारों में भी पढ़ा है, लेकिन अभी सतीश शर्मा जी ने खुद टीवी पर कहा है कि अभी बातचीत नहीं हुई है और अभी किसी को इंक्लूड या एक्सक्लूड करने की बातचीत भी नहीं हुई है। विश्वास करना कल प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो देश की आवाज है वो देश की आवाज को हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा उठाया है, और कल देश को जो उम्मीद थी, इस देश के कमजोर लोगों को जो उम्मीद थी कि कमजोर तबके की बात करने वाले लोग एक साथ मिलकर के इन जुमलेबाजों के खिलाफ लड़ाई लड़ें, और दिल्ली में जो चौकीदार बैठे हैं जिन्होंने देश को धोखा दिया, देश के हर तबके को धोखा दिया, उनको दिल्ली की गद्दी से कैसे हटाएं। ऐसे भी बसपा और सपा जनता के बीच में तो जाती नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही वो उत्तर प्रदेश की जनता को एड्रेस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वहाँ फील्ड में काम कर रही है और हमारा मिशन 51% वोट है। हम 51% वोट के टारगेट पर चुनाव लड़ रहे हैं और पिछली बार से ज़्यादा सीट जीतेंगे और फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। कोई कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, कोई कितना इकट्ठा हो जाए, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ एकजुट है और फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता सड़क पर आकर वोट करेगी और नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री बनाएगी। कल अखिलेश मायावती के किसी बड़े ऐलान को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से बात की आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने। दिनेश जी, अब सब कयास खत्म हो गए हैं, कल फॉर्मल अनाउंसमेंट होने जा रहा है महागठबंधन का यूपी में। बुआ और भतीजा मिलकर गठबंधन की घोषणा कर देंगे, आपको डर लगता है? देखिए, बुआ शब्द से तमाम अर्थ निकलते हैं। किसी भी दल के बारे में मुझे कहना कोई उचित नहीं होगा कि वो क्या करते हैं, उनका अधिकार है। मुझे इस बात की खुशी है कि दो दल मिल रहे हैं, लेकिन इस बात का दुख भी है कि तीसरा दल उनके साथ में नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से काम किया है और मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में काम किया है, तो उसका भय चारों तरफ व्याप्त है। भय है अपने अस्तित्व की रक्षा की विभिन्न दलों के जो विपक्ष में हैं। वैसे तो अब एक उक्ति है कि चाणक्य कहते थे कि जब किसी भी राजा, उसमें राजा का मतलब होता था कि राजतंत्र का नेतृत्व करता, अब आज प्रजातंत्र है उसका नेतृत्वकर्ता के विरुद्ध जब विभिन्न विपरीत विचारधाराओं के लोग एकत्रित होने लगे, जिनका समाज में जिनकी कोई अपना विशेष स्थान ना हो, तो ये समझना चाहिए कि राजा अच्छा काम कर रहा है। इनका मिलना इस बात का परिचायक है कि मोदी जी के कामों का डर है सबको, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, व्यापारियों के लिए, जिस प्रकार से सरकार ने काम किया है उसका डर समाया हुआ है। और मैंने पहला शब्द कहा कि मुझे खुशी है कि ये दो दल मिल रहे हैं, और दुख इस बात का है कि कांग्रेस उसमें स्थान नहीं पा पाया है, उसको मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया है। जहां सब कुछ बिका हुआ है, सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ केवल स्वार्थ के आधार पर आधारित है। हमारे वहां एक फैमिली कॉन्सेप्ट है जहां सब कुछ एक दूसरे के लिए है, हमारे अपना दल, हमारा जो राजभर जी की पार्टी है, हम लोग बिल्कुल एक है और दृढ़ता के साथ चुनाव लड़ेंगे।
और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं आरएलई ऑफिस के बाहर से हमारे साथ है कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता और दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं हिमांशु मिश्रा। सबसे पहले अभिषेक आपसे जानना चाहेंगे, आरएलडी को लेकर चर्चा हो रही थी लेकिन आरएलडी अभी भी कंफ्यूज है क्योंकि अजीत सिंह ने साफ कहा है कि मुलाकात हुई है अखिलेश यादव से लेकिन सीट को लेकर कुछ भी अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, बात ही नहीं हुई है। बिल्कुल श्वेता, देखिए यही एक बात है जो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि कल गठबंधन का औपचारिक ऐलान तो हो सकता है लेकिन शायद सीटों पर कोई ऐलान ना हो, क्योंकि अभी दो दिन पहले जयंत चौधरी मिलकर के गए हैं, सीटों को लेकर के बहुत चीजें अभी बहुत साफ नहीं हैं। हम इस वक्त आरएलडी ऑफिस में हैं और हमारे साथ डॉक्टर मसूद अहमद हैं जो कि आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। ये बताइए कि कुछ बातचीत आप लोगों की हुई है कि आपको कितनी सीटें चाहिए, कितनी सीटें पर आप लड़ेंगे, उससे कम आप नहीं लड़ेंगे? देखिए ऐसा है कि हमारा पहला लक्ष्य है कि जो किसान विरोधी, खेतिहर मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी सरकार है जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, इसको सत्ता में दोबारा आने से रोकना है। हम रोकने के लिए कितनी सीटों पर आपकी दावेदार जो है और इसके लिए गठबंधन भी बनेगा, उसका स्वरूप क्या होगा अभी आने वाले दिनों में तय होगा। अनौपचारिक बातचीत शुरू हो गई है, अभी दो तीन दिन पहले जैन जी आए थे, उन्होंने अखिलेश जी से मुलाकात किया और अकेले में दोनों आदमी ने बैठ करके बातचीत की। कहा यह जा रहा है कि आप लोग 5 सीटें मांग रहे हैं जबकि 3 सीटें ही गठबंधन में आपको दी जा रही हैं। नहीं नहीं, हम 5 नहीं बल्कि 6 मांग रहे हैं, समझे नहीं आप? और अभी तो मतलब सीटों का लेन देन भी नहीं हुआ, अभी तो बातचीत हुई कि कितने पर आप लड़ना चाहते हैं, कितने पर आप लड़ना चाहते हैं। लेकिन कल एक जो गठबंधन को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि गठबंधन हो जाएगा, अभी तक आरएलडी को उससे बाहर ही रखा गया है, अजीत सिंह जी को मालूम ही नहीं है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, तो असमंजस की स्थिति है? नहीं देखिए ऐसा है कि बहन कुमारी मायावती जी का जो है जन्मदिन है 15। अभिषेक आएंगे आपके पास और हिमांशु से भी और जानकारी लेंगे इस बाबत क्योंकि सियासी हलचल मच गई है अब इस खबर के आने के बाद यहाँ पर, लेकिन हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। तो कल लखनऊ में बीएसपी और एसपी गठबंधन को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस बीच दिल्ली से हिमांशु हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, आपकी डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश से बात हुई थी और लेकिन ये जो गठबंधन हो रहा है और जो इसने विधानसभा चुनाव में कमाल दिखाया है, तो कहीं अगर ये मैजिक और 1993 का मैजिक चल गया तो मुश्किल, बहुत बड़ी मुश्किल होगी बीजेपी के लिए। देखिए श्वेता, बिल्कुल बीजेपी के लिए मुश्किलें हैं और इसीलिए बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह जो चुनावी रणनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, वो उसी तरीके की चुनावी रणनीति भी बना रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर एक हो गए तो उनके लिए पार पाना मुश्किल होगा और यूपी एक ऐसी जगह है जहां से बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी, 80 में से 73 सीटें मिली थी और ये वो जमीन है जहां पर बीजेपी को लगता है कि उनके लिए बहुत कुछ संभावना है। अगर आप देखें तो 2017 में बीजेपी को 325 सीटें मिली थी गठबंधन के साथ 400 के अंदर से, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये एक सोचने की बात जरूर है लेकिन रणनीति उसी हिसाब से तैयार हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि अमित शाह जो है वो पूरी तरीके से ध्यान रख रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए, चुनावों को ध्यान में रखते हुए जो है सामान्य वर्ग के लिए 10% का कोटा लाया गया है। वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो जातिगत वोट है यूपी और बिहार में वो बहुत फैक्टर रखते हैं और इसीलिए जो उनका कोर वोटर है, ये कहते हैं कि सामान्य वर्ग जो स्वर्ण वोटर है वो बीजेपी की तरफ ज्यादा झुकता है और नाराज था पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 3 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा, उससे सबक सीखते हुए सामान्य वर्ग के लिए 10% का कोटा लाकर अपने जो कोर वोटर है उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश की गई है और आगे आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से जो है बीजेपी किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए या अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने के लिए अलग अलग कदम उठाएगी और मोदी सरकार इस पर काम भी कर रही है। और उसी हिमांशु बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अभिषेक आप बने रहे, आपसे और जानकारी लेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।